फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपने घर में नवरात्र में माता रानी की स्थापना की है, यह कलश स्थापना हुई है। आज मैं आपको उसके दर्शन कराती हूँ, अपने घर की माता रानी से मिलवाती हूँ और अपने घर के सारे भगवान जो हैं उनको मैं आपको दर्शन कराती हूँ। आइए, आप हमारे घर के भगवान से मिलिए। ये मम्मी ने मम्मी हमारे यहाँ नवरात्र का व्रत रहती हैं, उन्होंने ये देखिए नौग्रा बनाए हैं। ये गौरी जी हैं और ये कलश स्थापना हुई है। ये अखंड ज्योति जलती है, नवरात्र भर मेरे यहाँ अखंड ज्योति जलेगी। और ये माता लक्ष्मी जी हैं और गणेश जी हैं, ये कुबेर जी हैं, ये मेरे लड्डू गोपाल हैं और राधा जी हैं। ये है मंदिर उनका, अब झूले में बैठे हुए हैं। ये माता दुर्गा जी हैं, उन्होंने लहंगा पहना है और ये चुनरी ओढ़ी हुई है। ये उन्होंने माला पहन रखा है। अभी अभी मैंने पूजा करी है, आज 11:30 बजे से स्थापना थी। ये हमारे यहाँ का राम दरबार है, ये राम जी हैं और ये सीता जी हैं। ये माता वैष्णो जी का दरबार है, ये हमारे यहाँ का श्री यंत्र रखा हुआ है। ये बालाजी हैं, मेहंदीपुर बालाजी हैं, इनकी बड़ी महिमा है। ये विष्णु जी हैं, माता लक्ष्मी जी और विष्णु जी हमारे घर में विराजमान हैं। ये उनके सारे रूप हैं और उन्होंने जितने अवतार लिए हैं वो सारे हैं। मिलिए इनसे। ये माता लक्ष्मी जी हैं, ये बड़ा कैलेंडर है मेरे यहाँ। मैं तो इतना टाइम नहीं दे पाती हूँ, मेरे यहाँ मम्मी ही इनकी पूजा करती हैं। मेरे जो है वो मैं सिर्फ कान्हा जी की ही पूजा करती हूँ। लड्डू गोपाल ही मेरे प्रिय हैं। मानती मैं सबको हूँ लेकिन मुझे लड्डू गोपाल ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये हैं मेरे घर के लड्डू गोपाल, देखिए बैठे हुए हैं आराम से। इतना टाइम मुझे नहीं मिलता है कि मैं सब भगवानों की पूजा करूं, लेकिन है तो मेरे सारे ही। ये है मेरे घर का मंदिर। आज आपने हमारे घर के मंदिर के दर्शन करें। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारा मंदिर कैसा लगा। सभी लोग बैठे हुए हैं। मेरे घर में, मेरे मंदिर में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।